चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे तमाम प्रत्याशी लोगों से रूबरू होते नजर आ रहे हैं। आज उसी कड़ी में भाजपा के प्रत्याशी नवीन जिंदल गांव चंदाना में पहुंचे हैं, जहां ट्रैक्टर पर सवार होकर गांव चंदाना के लोगों के बीच पहुंचे हैं। वहीं पर लोगों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया, जहां भारी संख्या में लोग पहुंचे और लोगों ने फूल माला पहनाकर नवीन जिंदल और पूर्व में मंत्री रही कमलेश डांडा का स्वागत भव्य तरीके से किया गया। वहीं मंच पर भाजपा के जो प्रत्याशी है नवीन जिंदल को पगड़ी पहनाकर मान सम्मान दिया गया। लेकिन क्या कुछ कहना चाहेंगे नवीन जिंदल और गांव चंदाना के लोगों के इस समर्थन को लेकर, इस जोरदार स्वागत को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे नवीन जिंदल, उसको लेकर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कितना आश्वस्त है और भविष्य में किस तरह की योजनाएं जो है वो लेकर जो है कुरुक्षेत्र लोकसभा के लोगों के लिए चल रहे हैं। आइए जान लेते हैं भाजपा के प्रत्याशी नवीन जिंदल जो कैथल के चंदाना गांव में पहुंचे हैं और उनसे जानेंगे भविष्य की योजनाएं। मैं बहुत आभारी हूं कि लोगों का, जहां भी हम जा रहे हैं बहुत लोगों का आशीर्वाद हमें मिल रहा है और मैं इसके लिए मैं जनता जनार्दन के, हम भारतीय जनता पार्टी सभी बहुत आभारी हैं। सभी जगह लोगों के अंदर बहुत जोश है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, माननीय मोदी जी को लेकर के, और मेरे प्रति भी जो प्यार है लोगों का वो जो है बाहर आ रहा है, तो मैं इस लोगों का बहुत आभारी हूँ। लगातार कुरुक्षेत्र के गांवों में, कैथल के गांवों में आप लगातार दौरे कर रहे हैं, तो कहाँ देखते हैं और कितना समर्थन तमाम गांवों से मिल रहा है? देखिए सभी जगह जो है बहुत समर्थन और लोगों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, इसलिए मैं लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ। और एक लोग सभी जगह बहुत गर्मजोशी के साथ जो है लोग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, बड़े बुजुर्ग जो है माला पहना के अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, नौजवान साथ ही साथ में लगे हुए हैं, महिलाएं माताएं भी बढ़ चढ़ करके आ रही हैं। सभी को बड़ा चाव है कि वो भारतीय जनता पार्टी को का समर्थन कर रहे हैं। लगातार देखा जाता है राजनीति में जो लोग आते हैं कहीं ना कहीं वो अपने स्वार्थ के नज़रिए से आते हैं, तो आपका क्या मकसद है, क्या ध्येय है इस राजनीति में? मेरा स्वार्थ है कि यहाँ मैं चाहता हूँ कि ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, मैं चाहता हूँ कि कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र पूरे देश के अंदर नंबर एक पे होना चाहिए। कलायत के सारे गांव कलायत के अंदर बहुत विकास होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि लोग यहां पर, लोग मेरा परिवार है, यहां पे मैं इनके परिवार के सदस्य हूं, तो मेरा ये स्वार्थ है कि मैं चाहता हूं कि यहां के सारे परिवार खुशहाल हों, संपन्न हों, तो और यहां के किसान भाई खुशहाल हों, संपन्न हों, मजदूर भाई खुशहाल हों, संपन्न हों, मेरे जो नौजवान साथी हैं उनको रोजगार मिले, तो ये मेरा स्वार्थ है। तो ऐसे क्या सोच लेकर नवीन जिंदल जी मैदान में उतरे हैं, क्या सोच लेकर चल रहे हैं कि भविष्य में ये योजनाएं होंगी, भविष्य में किसान के लिए योजनाएं होंगी, युवाओं के लिए योजनाएं होंगी? देखिए यहाँ पर मुझे कोई, जो मेरी सोच है, मैंने यहाँ पे काम किया 10 साल, मैं यहाँ लोगों के लिए कोई नया नहीं हूँ, लोग जानते हैं, लोगों ने बाकियों को भी देखा है, तो लोगों को ये पता है कि भाई नवीन जिंदल ने जिस तरह से काम किए थे उस तरह से हिंदुस्तान में कोई सांसद नहीं करता, और अब आने वाले समय में तो मैं और ज़्यादा करूँगा, हर वर्ग के लिए करूँगा। मैं किसान भाइयों के लिए बहुत कुछ मेरे पास प्लान्स हैं, आइडियाज़ हैं, मैं उनको करूँगा, नौजवानों के लिए करूँगा, महिलाओं के लिए करूँगा, सारी सरकार भी, हरियाणा सरकार भी करेगी, केंद्र सरकार भी करेगी, और भारतीय जनता पार्टी के सभी साथी जो है हम मिलकर के लोगों की सेवा करेंगे। इंडिया गठबंधन में लगातार बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग हो रही है, कहाँ देखते हैं, कितना आश्वस्त हैं कि वो मुकाबला कर पाएंगे और जीत को लेकर कितना कहते हैं? देखिए हम भारतीय जनता पार्टी लोग जो हैं, जो जनता जनार्दन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है, वो नवीन जिंदल के साथ है, ये जो बाकी जो लोग जो हैं ये तो मैं कहूँगा ये बांचड़ी चिट्ठियाँ हैं, तो इनके पास जो है इनका कोई जनाधार नहीं है और जनाधार जो है वो सारा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तमाम लोग आपको दे रहे हैं, अपील क्या रहने वाली है? आप सभी को जो है मैं आपके दर्शकों को मैं राम राम करना चाहता हूं और सभी से मेरा आग्रह है कि आने वाली 25 मई को वो अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दें, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान के आगे बटन दबा के वो अपना हमें आशीर्वाद दें, ताकि हम देश की सेवा कर सकें, लोगों की सेवा कर सकें और हर वर्ग का विकास कर सकें, जिसके अंदर हर वर्ग खुशहाल हो, संपन्न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और ये थे